रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2024 में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। टीम ने मौजूदा सीजन के 52वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हराया। इस जीत से बेंगलुरु ने प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार को बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। गुजरात 19.3 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट हो गई। बेंगलुरु ने 13.4 ओवर में 6 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। सोप्रील सिंह ने राशिद खान के खिलाफ विनिंग सिक्स लगाया। मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच रहे, उन्होंने 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जीटी से राहुल तेवतिया 35, डेविड मिलर 30 और शाहरुख खान 37 रन बनाकर आउट हुए। राशिद खान ने 18 रन बनाए। बेंगलुरु से मोहम्मद सिराज, विजय कुमार वेशाख और यश दयाल ने 2-2 विकेट लिए। आरसीबी से कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने 23 बॉल पर 64 रन की पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 27 बॉल पर 42 रन बनाए। दोनों ने 92 रनों की ओपनिंग की साझेदारी की। गुजरात से जोशुआ लिटिल ने 4 विकेट झटके, जबकि नूर अहमद को 2 सफलताएं मिली। बेंगलुरु के खिलाफ गुजरात का टॉप ऑर्डर फेल रहा। रिद्धिमान साहा 1, शुभमन गिल 2 और साई सुदर्शन 6 रन बनाकर आउट हुए। ये तीनों बल्लेबाज पावर प्ले के अंदर ही आउट हो गए। पावर प्ले के बाद गुजरात का स्कोर 23-3 रहा। गुजरात की टीम बेंगलुरु के छोटे से मैदान पर 147 रन का स्कोर ही बना सकी। लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज महज 11 रन ही जोड़ सके। ऐसे में टीम की ओर से 30 रन कम बने। 148 रन का टारगेट चेज करने उतरी बेंगलुरु की पारी की पहली बॉल पर डेविड मिलर ने कोहली को रन आउट करने का मौका गंवाया। जीवन दान मिलने के बाद कोहली ने फाफ के साथ मिलकर बेंगलुरु को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। रन चेज में बेंगलुरु के ओपनर ने विस्फोटक शुरुआत की। फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली की जोड़ी ने 29 बॉल पर 92 रनों की ओपनिंग की साझेदारी की।